गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अतिका रहती है वो ट्रेन थोड़ा सा उसका मिस हो जाती है, फिर वो भागते हुए जाके ट्रेन पिकअप करती है और ये सब लोग ट्रेन में जाते हैं और इन लोगों के ट्रेन में कुछ मस्ती मजाक होती है और साथ ही साथ ट्रेन में जो हमारी शनाया रहती है वो सो नहीं पाती है तो अतिका के ऊपर ही सो जाती है। अब उसके आगे तो तभी शनाया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, व्हाई यू गाइस आर टीजिंग मी सो मच। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी बट मैं सो गई मैम के ऊपर, पता नहीं उन्होंने इतने प्यार से मेरे को हार्ट मसाज दी कि मैं आराम से सो गई। वेल यू गाइस शुड बी हैप्पी ओके कि मैंने कोई वॉमिटिंग्स वगैरह ये सब नहीं करी यहाँ पर आकर और कुछ नाटक नहीं करे जो यूजुअली हर ट्रिप में मैं करती हूँ। सो गाइस यू शुड बी हैप्पी। तो तभी वो लोग कहते हैं हाँ हाँ इस बात पे तो हम सब हैप्पी है बट अभी तक तो किसी के भी मसाज देने पे तो तुझे कभी इतना रिलैक्सेशन नहीं मिला। मसाज तो तेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी, तेरी रूममेट भी देती है तुझे। तो तभी वो कहती मैंने भी तो तुझे मसाज कितनी बार दी है बट तुझे तो कभी असर नहीं हुआ। तो कहती यार बट हो गया ना, किसी किसी की मसाज में कुछ ना कुछ होता है, हो गया मुझे, अब स्टॉप टीजिंग मी गाइस। तो कहती ओके ओके स्टॉप टीजिंग यू। ऐसे करके वो लोग शांति से हो जाते हैं। अतिका मैम वहाँ पर सो रही रहती पर शनाय की पूरा ध्यान उधर ही रहता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है लिसन, कल तू सोई थी ना, बहुत अच्छे से सोई है, शायद से इतनी अच्छी सुकून की नींद तुझे कभी नहीं आई होगी। तभी वो बोलती है ऐसा क्यों बोल रही है, कहती इसलिए ये देख। तो उसे पिक दिखाती है सारी और पिक्स दिखाने के बाद बोलती है कि ये देख कितने सुकून से सोई है। तो वह हंसने लगती है, बोलती वाह यार ये पिक्स मुझे देगी ना, तो कहती नहीं दूंगी, पहले जितना मेरा जो तूने पुराना हिसाब किया है ना, जो इतने सारे पैसे लिए हैं, हर बार फ़ोन करके बोलती थी ये डाल दे वो सब कर दे। तो कहती है अरे हाँ मैं सब कर दूंगी बट ये पिक्स दे देना। तो कहती है कि नहीं पहले हिसाब कर फिर। तो ये दोनों ऐसी मस्ती मजाक कर रहते हैं। फिर ऐसा 12 बज जाते हैं, वो लोग आ जाते हैं, वो लोग वहाँ से डायरेक्ट ऋषिकेश में उतरते हैं और उतर के वहाँ से पहुँचते हैं। एक्चुअली मैंने ये थोड़ा सा स्किप कर दिया, उनकी कनेक्टेड ट्रेन्स भी रहती है तो कनेक्टेड ट्रेन्स पकड़ के पहुँच जाते हैं। अब डायरेक्ट ऋषिकेश में पहुँचते हैं। जैसे वो ऋषिकेश में पहुँचते हैं वो लोग उतरते हैं और वो वहाँ से चिल्लाते हैं ये हुर्रे द ट्रिप इज बिगन और सब मोबाइल लेके अपनी वीडियोज़ बना के बोलते हैं गाइस हाय। जो अतिका होती है वो नॉर्मल चल रही रहती है, वो तो कुछ ऐसा एकदम एक्साइटमेंट नहीं दिखाती है। तभी शनाया एकदम से थोड़ा उनके जो बाकी फ्रेंड्स जिनके हाथ में कैमरा रहता है और वो लोग मस्ती मजाक कर रहे थे उनसे थोड़ा सा पीछे हटती है और एकदम से अतिका मैम का हाथ पकड़ते बोलती कम मैम यू ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर टीम। तो ऐसे करके बोलती है ये इंजॉय। तो अतिका बोलती है या श्योर। फिर ऐसे करके वो जाती है। फिर वहाँ पर वो लोग रूम्स लेने के लिए जाते हैं, वहाँ फटाफट जाते हैं रूम्स लेते हैं और रूम्स लेकर वहाँ पर मीन्स फ्रेश होने चले जाते हैं थोड़ी देर के बाद। तभी वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हमें जो मतलब घूमना फिरना है तो वो क्या है। तो कहते हैं यहाँ पर गंगा रिवर है मेन, तो आपको वही है और वहीं गंगा रिवर के आसपास जाके आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं, पहले तो फ्रेश होते हैं। तो तभी वहाँ पर उन्होंने दो रूम्स बुक करे रहते हैं, एक में 3 और एक में 2 लोग। तभी वहाँ पर अतिका खड़ी रहती है, बोलते क्या हो गया। तो कहते हैं कि मैम एक में 3 लोग रहेंगे और एक में 2 लोग रहेंगे, तो आप किसके साथ रहना पसंद करोगे। तो कहते हैं कि किसी के भी साथ रह लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, आप यू विल बी गाइस डिसाइड कि किसको आना है, आ जाओ। तभी वहाँ पर जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो चाल मुझके एकदम से होती है, मैम मैं चलूँगा आपके साथ। तो अधिका कहते हैं या श्योर कम कम विथ मी। तो वो तभी वहाँ से बोलती है कि शना एकदम से बोलती है रुक जा तू कमीनी, कैसे कर रही है यार तू। तो ऐसे बोल रही रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद जो हमारी अतिका होती है वो कहती है मैम मैं आपके साथ चलूँगी। तभी वो बेस्ट फ्रेंड उसकी बोलती है अरे क्या हो गया, अभी हर टाइम तो तू मैम के आजू बाजू घूमती फिरती रहती है, सो नाउ दिस इज़ माय टाइम ना, मैं चलती हूँ। तो शनाया कहती है कम प्लीज़। तो तभी बाकी फ्रेंड्स को बोलती है बोलो उसको। तो बाकी फ्रेंड्स बोलते हैं कि ए लिसन यार शनाया मैम के साथ शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल, तो उसे आराम से जाने दे तू रहने दे। तो वो कहती है यार कैसे कर रहे हो मैम, मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ क्या। तो अजिका कहती है गाइस
तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, मैं मेरे रूम पर जा रही हूँ। जिसको आना होगा आ जाना, जिसको नहीं आना है यू गाइस डिसाइड, ओके। मैं जा रही हूँ। अतिका वहाँ से कह के अपने रूम पर जाती है, और वो जैसे ही रूम पर जाती है वो जाके पहले तो बेड पे लेट जाती है, फिर वो अपने कॉल्स वगैरह सब एक रिमूव करना स्टार्ट कर देती है। कॉल्स वो अपने क्लॉथ्स रिमूव कर देती है ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश फील करे, और वो एकदम से मतलब जो उसने टाइट टाइट रहते सारे जैकेट्स वगैरह पहने रहते वो सब हटा देती है, और वो बहुत मतलब एकदम से रिमूव करती। फिर वहाँ से टॉवल लेती है और टॉवल लेकर जा रही रहती है, और जाके वो टॉवल लेती है और बहुत अच्छे से अपने आप को कवर करती है और बात करने के लिए चली जाती है। आपस में ये लोग तो इतनी देर से डिसाइड ही कर रहे रहते, फिर शनाया फाइनली अपने सारे फ्रेंड्स से कहते प्लीज़। तो सारे फ्रेंड्स बोलते हैं अच्छा ठीक है जा भाई जा, तू ही जा सबसे पहले, तेरा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तू ही जा। और ऐसे कह के वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर शनाया जो होती है वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो फिर वहाँ से जो हमारे शनाया होती है वो अंदर चली जाती है, वो भी आराम से लेट जाती है, ध्यान नहीं देती है, और बेड पे आराम से लेट जाती है, कुछ नहीं देती है। और अधिका को लगता है अभी तक रूम में कोई आया नहीं है, तो वो अपने टॉवल पे ही बाहर आ जाती है। तभी अधिका और अधिका एकदम से शनाया को देख के बोलती है आउच तुम यहाँ पर हो? तो शनाया बोलते हैं आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ देखा नहीं। तो तभी वो कहती है तो मैंने टॉवल से लपेट के रखा, तो तुम क्या देखोगी? अच्छा तो गेट वो चाची के लिए ओपन करके रखा है क्या, कोई और आने वाला है, गेट क्यों नहीं लॉक किया? तो कहती सॉरी मैम मैं अभी लॉक कर देती हूँ। ऐसे जाके वो गेट लॉक करने जाती है। तभी जो अधिका होती है वो अपने जो इनर क्लॉथ्स रहती है वो लेना भूल जाती है, और तब वो बाहर एकदम से टॉवल में ही कर रही रहती है, और उसका जो टॉवल रहता है वो काफ़ी लूज होके मतलब खिसा करा रहता है। तभी अधिका थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, तो भी शनाया उसके पास आके बोलती है लेट मी हेल्प यू, मैं आपकी नर्स दे देती हूँ वेट। तो फिर वो बोलती है नहीं मैं खुद ले लूँगी। तो कहती कम ऑन मैम आई विल हेल्प यू। तो ऐसे कह के वो वहाँ से उसके जो क्लॉथ्स होते हैं इनर्स निकालती है और बोलती है ये वाला या ये कलर वाला। तो अचिका को काफ़ी शर्म आती है, वो चुपचाप लेती है और अंदर की तरफ चली जाती है। और तभी शनाया थोड़ा सा स्माइल करने लगती है, तो मतलब एक होता है ना टीस वाली स्माइल होती है वो करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो हमारी ईरा होती है, जो हमारी अधिका होती है, वो शनाया को बोलती है कि शनाया प्लीज़ गिव मी सम क्लॉथ्स। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं देती हूँ। तो वहाँ पर जो उसने जो टॉप निकाल के रखा रहता है अधिका ने वो दे देती है, और वो टॉप पहनती है, और वहाँ पर वो बहुत शॉर्ट्स पैंट होते हैं ना, हॉट पैंट्स होते हैं, वो पहन के बाहर निकलती है। शनाया तो देखती रह जाती है अधिका को, मैम को हॉट पैंट्स में लंबी हाइट सेक्सी लैग्स और हॉट पैंट्स और एकदम प्यारा सा टॉप बॉडी को टच करता हुआ, और बाल उनके टाई रहते हैं। फिर वो बाहर निकलती हैं, तो वो एकदम से शनाया कहते वाओ वाओ व्हाट अ ब्यूटी। तो कहते हैं कि क्या हो गया, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे तुमने कभी लड़की नहीं देखी है। तो तभी शनाया उनके करीब आती है, और अधिका को थोड़ा सा हार्ट बीट उसकी फास्ट होती है। वो कहती है मैम देखी तो लड़कियां बहुत सही हैं, बट कोई इतने हॉट एंड सेक्सी नहीं देखी। और ये बोल के वो थोड़ा आगे बढ़ रही रहती है। तभी तभी शनाया अधिका को बोलती है वेट वेट मुझे थोड़ा सा और भी काम है, और ऐसे करके वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है और बोलती है कि तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ। तो शनाया ओके बोल के तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद शनाया भी तैयार हो जाती है, तब वो बाहर आती है तो देखते हैं कि अधिका वहाँ पर है नहीं। अधिका एक्चुअल रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है, और वो यहाँ की जो प्लेसेस होती है वो बहुत सारी वहाँ पर सर्च कर रही रहती है। तभी वहाँ पर जो रूममेट्स होती है ये उसकी, तो वो कहती है कि मैम मैंने यहाँ पर ना लोकल ड्राइवर्स रहते हैं, हम उनको हायर करेंगे, वो हमें सारी प्लेसेस टाइम टू टाइम घुमाएंगे। तो कहते हैं कि हाँ पिछली बार हैदराबाद में मैं गई थी तो मैंने यही किया था,
चलो देखते हैं। तो ये लोग बाहर जाते हैं और शनाया जो होती है वो जब तैयार व्यार होकर बाहर निकलती है तो वो काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से तैयार होती है। उसके लॉन्ग्स हेयर रहते हैं, वो पॉनीटेल करती है और बहुत प्यारे से छोटे से इयररिंग्स पहनती है और उसने 3/4 पहनी रहती है, मतलब कैपरी बोल सकते हो, कैपरी पहनी रहती है, वाइट कलर के शूज़ पहने रहते हैं और एकदम से अंदर स्पैगेटी और ऊपर उसके ऊपर शर्ट रहती है और वो एकदम कूल वाले एटमॉस्फेयर पे बाहर निकलती है। तो जब अफ्रीका होती है वो वहाँ पर उसकी बेस्ट के साथ बात कर रही रहती है, तो ये बात देख के शनाया को थोड़ी सी जलसी होती है। तो शनाया एकदम से जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती है, हे तू क्या कर रही है यहाँ पे मैम के साथ? तो कहती है, यार वो ड्राइवर सेलेक्ट करना है ना, हम ड्राइवर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो इतने सारे ड्राइवर्स में से देख के लेना था ना कि कहाँ ट्रैवलिंग्स का वगैरह है, तो वो मैं देख रही हूँ। तो वो कहती है कि कम ऑन मैं देखती हूँ ना, हेल्प कर देना प्लीज़ प्लीज़। तो कहती तू क्या कर रही है, तू इतना क्लोज मत हो उनके, बाद में जाके तुझे ही हर्ट होगा, तुझे पता है ना शी इज़ अ कमिटेड विद हीरा, सो डोंट गो क्लोज। तो कहती है, यार ये ट्रिप बस मेरे लिए जिंदगी की कुछ मेमोरीज दे देगी मुझे, इनके साथ जितना वक्त बिताने को मिले वो बहुत है, मेरी लाइफ का ये सबसे बेस्ट पल होंगे और इसी के साथ मैं अपनी जिंदगी तो बीता सकती हूँ। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है, मजनू मत बन, ओके स्टॉप एक्टिंग लाइक अ मजनू, हट यहाँ से। तो तभी वो उसको प्लीज़ 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 कर रही रहती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है, अच्छा जा मैम के साथ, मुझे जाना था। तभी यहाँ पर जो अद्रिका होती है वो एकदम से बोलती है, आओ तुम चलो यहाँ से। तो वहाँ पर शनाया जो होती है एकदम से जाती है और शनाया उनके पीछे पीछे जाके बोलती है कि भैया ऐसा ऐसा है ये वो बोलती है। तभी शनाया बोलती है, नहीं नहीं आप जितना रेट बोल रहे हो ना उससे कम का ही होगा। तो दोनों बार्गेनिंग करते हैं, तभी अद्रिका एकदम से टर्न होकर बोलती है कि मैं तो तुम्हारी फ्रेंड को लेकर आ रही थी। तो कहती है, मैम वो करे या बार्गेनिंग मैं करूँ, एक ही बात है ना। तो ऐसे करके वो स्टार्ट कर देती है अपना बार्गेनिंग का सेशन और बोलती है कि नहीं ये है ऐसा है वैसा है और बहुत बोलने लग जाती है। तो तभी वो बोलने लगती है कि तुम यहाँ साइलेंटली बैठो मैं करती हूँ। तभी अद्रिका वहाँ पे बहुत प्यार से बात करती है और सब कुछ अच्छे से कवर अप करती है और दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में एक ड्राइवर्स को बोलते हैं, वो स्कॉर्पियो लेकर आता है और स्कॉर्पियो में ये लोग बैठ के जाते हैं और वो उसे पूछती है कि कहाँ कहाँ जो स्पॉट्स होते हैं वो सारे लोकेशंस आपको ट्रैवल करने हैं एंड व्हाटएवर द चार्ज वगैरह ऐसा है एंड थोड़ा सा रीजनेबल रेट का कर देना। तो वो लोग सब एकदम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैम अभी तो आपको थोड़ा सा लेट हो गए हो, तो अभी जो वाटर स्पोर्ट्स है वो शाम के टाइम पर एक बहुत प्यारा वाटर स्पोर्ट्स होता है यहीं पास में जिसको हम बोलते हैं, जो कहीं पर भी इंडिया में नहीं पाया जाता है वो यहीं पर पाया जाता है, जिसे मोटर बाइक पैरा स्लाइडिंग होती है, मोटर बाइक पैरा स्लाइडिंग होती है। ये पैरा स्लाइडिंग यहाँ कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको, आपने पैरा स्लाइडिंग करी होगी लेकिन आपने मोटर बाइक पैरा स्लाइडिंग नहीं करी होगी, आपका वो सबसे अच्छा एडवेंचर्स है, आप वो करने के लिए आइए। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है चलो अगर पास में यही है तो वो सबसे पहले वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सारा ग्रुप एकदम से बैठता है और वाटर स्पोर्ट्स का सबसे पास में जो मींस रहता है, जो सबसे ज़्यादा पास में रहता है उनके, अभी मतलब पास में तो कुछ भी नहीं रहता है लेकिन सबसे पहले वो लोग एक मोटर बाइक पैरा स्लाइडिंग के लिए चले जाते हैं। और वो लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत प्यार से मतलब एक एक्टिविटीज़ हो रही रहती है कि जहाँ पर मोटर बाइक्स के को चलाया जाता है वो एक्टिविटीज़ होती है, और वहीं के वहीं एक पास में उसे थोड़े दूर पे एरिया पे रहता है जहाँ पर वहाँ पे जो हॉट एयर बैलून्स पे भी जाके आराम से बैठ के आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है वो खड़ी हो जाती है और हमारी अद्रिका भी वहाँ पर होते हैं और वो लोग सब देख रहे रहते हैं कि कौन सी चीज़ क्या बेटर है, क्या अच्छा लगता है वो करना चाहिए। तो वहाँ पर वो पूछती हैं कि आप में से किसी को कुछ करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर लो आराम से, यहाँ पर है ये मोटर बाइक पैराग्लाइडिंग है, इजीली हर जगह मिलती नहीं है, आप करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। तो कहती है कि मैम मतलब इसका एक्सपेंस भी तो बहुत ज़्यादा होगा ना। तो कहती हैं कि जब आए हो तो इन्जॉय करो, अगर एक्सपेंस को देखकर ही ले आना होता तो शायद मैं लेकर भी नहीं आती।
तो वो कहती है कि मैम इस पे कितने लोग बैठ सकते हैं। तो कहते हैं एक तो ये तो यही बताएंगे। तो वहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं उसमें से एक को करनी रहती है पैरा ये स्लाइडिंग, तो वो वहाँ पर जाकर आराम से मतलब वो करने लग जाती है। तो वो कर रही रहती है, तभी जो अतिका होती है वहाँ पर बैठ के एकदम से एंजॉय करते हुए देख रही रहती है, वीडियोस बना दी रहती है और एंजॉय कर रही रहती है बाकी होती है। तो वहाँ से जब वो एकदम पीछे टर्न होते हैं तो वहाँ पर एक बहुत क्यूट सा कपल रहता है, दो गर्ल्स कपल रहते हैं वो। तो अतिका की नज़र उन कपल्स की तरफ जाती है, तो वो दुनिया को दिखाने के लिए तो लाइक दे आर जस्ट अ गुड फ्रेंड्स वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, बट एक्चुअली में वो दोनों कपल रहते हैं। तो अधिका उधर ही जाती है, तो सडनली से उसमें से एक फ्रेंड होती है, वो अधिका के पास आके बोलती है कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट कि ये सेफ है कि नहीं, क्योंकि आपकी फ्रेंड गई है वहाँ पर करने के लिए, या आपका ग्रुप है ना। तो वो कहती है कि हाँ हाँ यहाँ पर दो लोग भी कर सकते हैं, आप दोनों एक साथ जाकर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको डर लग रहा है तो आपकी पार्टनर आपको हैंडल बहुत अच्छे से कर लेंगी। तो तभी वो कहती है नो माई पार्टनर, तो वो कहती है या शी इज योर पार्टनर ना, तो कहती है नो नो वी आर जस्ट अ फ्रेंड्स। तो अतिका कहती है बट आई डोंट थिंक यू आर गाइज आर फ्रेंड्स, बट अगर आपको पूरी दुनिया को फ्रेंड्स दिखाना है तो आई विल बी द कम्फर्टेबल योर फ्रेंड्स। तो कहती है हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट वी आर कपल्स, सो वो कहती है आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली। सो अर्विका मेहता तो कहती है हे नाइस टू मीट यू, तभी उन दोनों का कपल्स का नाम रहता है। वो कहती है माई नेम इज़ रू, एंड वो बोलती है माई नेम इज़ पीहू। तो कहते हैं नाइस टू मीट यू रू एंड पीहू, जस्ट एंजॉय, यू कैन गो। तभी वो जो अतिका होती है वो बहुत ज़्यादा उन दोनों के साथ बातें कर रही रहती है, बता रही रहती है। तो शनाया का नज़र एकदम से उधर जाता है, और शनाया भागते हुए जाती है, बोलती है एनी प्रॉब्लम मैम, तो वो कहती है नो नो नथिंग इज प्रॉब्लम, दे वो लोग बस ऐसे पूछ रहे थे तो मैं उनको वही बताई थी। तो कहती है ये आपकी माई गाइस मेरे इंटर्न्स हैं सब के सब। तो कहते हैं अगर आप जैसा डॉक्टर्स मिले तो मैं भी इंटर्न बनने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज अगर आप इतने अच्छे से वाटर स्पॉर्ट ये पूरे एक्टिविटीज़ करा रहे हो ये सब बहुत मज़ेदार है। तो वो कहती है कि जस्ट लाइफ में एक बार फन होना चाहिए, और अगर मुझे ये मौका मिला है तो ऑफकोर्स आप लोग जाके इंजॉय करिए। तो कहते हैं ओके अद्रिका वी विल मीट यू अगेन, तो वो कहते हैं ऑफकोर्स। फिर वो लोग तो टूरिस्ट प्लेस रहती है, तो फिर वो लोग वहाँ पर लग जाते हैं। फिर वहाँ से दूसरी फ्रेंड आके बोलती है मैम मुझे वो हॉट वाला बैलून वाला करना है, तो कहती है कि ठीक है जाओ हॉट बैलून कर लो। तो फिर ये लोग जाते हैं वहाँ से, उसकी भी टिकट्स लेते हैं। शनाया जो होती है वो कोई भी वाटर स्पोर्ट्स मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए आगे होकर खुद नहीं बोल रही रहती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि वॉट एवर द एक्सपेंसेस जो हो रहे रहते हैं वो अद्रिका मैम बियर कर रही है, और एक एक एक्टिविटीज़ का भी पैसा बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो वो चुपचाप वहीं पर रहते हैं। तभी वहाँ से अद्रिका होती है वो शनाया की तरफ देख के बोलती है तुम्हें कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, तो कहती है नो नो मैम मुझे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, आई एम वेरी गुड इन दैट। तो वो कहती हैं सोच लो बार बार ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, इंजॉय करने आई हो काफ़ी अच्छे से इंजॉय करो। तो कहती है या मैम मैं इंजॉय कर लूँगी बट मेरा मन नहीं है। तो कहती है ओके डन कोई इशू नहीं है, देख लो अपने हिसाब से। तो ऐसे बोलती है, तभी शना एकदम से पूछती है आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहती है ऐसे ही मेरा मन नहीं है। तभी वो कहती है लुक एट दैट जो आपसे बात कर रहे थे वो लोग कितने इंजॉयमेंट में जा रहे हैं, कहते हैं कि हाँ वो कपल में अच्छे से जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कहते हैं तो हम भी साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी तो मज़ा आएगा ना, आपको अलोन भी फील नहीं होगा और आप और मैं भी इतना एंजॉय कर पाएंगे। तभी अद्रिका ऐसे बोल के चुप, अद्रिका को ऐसे बोल के शनाया एकदम से इधर उधर देखने लगती है। शनाया कहती है कभी और, ठीक है मुझे ये पैरा स्लाइडिंग ये पैराग्लाइडिंग पसंद नहीं है, तुम्हें है तो तुम कर सकती हो। हालांकि वो इसलिए मना करती है क्योंकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैराग्लाइडिंग बहुत बार कर चुकी थी, तो उसे वो मेमोरीज को रिकॉल करना उसको बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाती है।
और थोड़े टाइम के बाद ये लोग सब इंजॉय करके आ जाते। तो तभी सारे तीनों ने एक एक एक्टिविटीज करी। दो ने वाटर बैलून्स किया रहता, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड रहती है उसने पैराग्लाइडिंग करी रहती। वो आके बोलती है तूने कुछ नहीं किया, तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर ये लोग वहाँ से निकलते हैं। फिर ये रात में मतलब ये सब करने में ही पूरा एक दिन ऐसा मतलब वो जो जिस दिन आए रहते निकल जाता है। रात के टाइम पे वो लोग डिनर वगैरह करते हैं और सब सो जाते हैं। सोते टाइम पे जो हमारी अधिका रहती है वो मैसेज करती है ईरा को कि हे बेबी आर यू ओके, आर यू जस्ट फाइन। तो ईरा जो होती है वहाँ पर वो अपनी ही बिजी रहती है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभार दिल में वो जो तड़प हो वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही उसका मैसेज आता है वो एकदम से जाती है, फटाक से पकड़ती है, रीड करती है और फटाक से रिप्लाई करती है आई एम मिसिंग यू सो बैडली, मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ, ये वो। और फिर जो हमारी अजिका होती है वो कहती है ओके ओके कॉल मी। तो वो बोलती है या आई एम गोइंग टू कॉल यू। तो अजिका वहाँ से जाकर अपने बालकनी में बैठ के ईरा से बात कर रही रहती है। ईरा पहले तो पूरा अपना रोना सुनाती रहती है, फिर बहुत रो रही रहती है। तभी अजिका कहती है कम ऑन बेबी, दिस इज़ अ रिचुअल्स, ये तो होता ही रहता है, यहाँ पर ऐसा होता ही है, पानी से नहला देते, ये सब चीज़ें होती है, जस्ट इंजॉय द मोमेंट। तो कहती तुमने क्या इंजॉय किया? तो फिर ईरा उसे अजिका उसे बताती कि ऐसा ऐसा। तो कहती तुमने पैराग्लाइडिंग नहीं करी? तभी वो कहती है कि मैं अपने पास्ट की मेमोरीज को कुछ ज़्यादा रिकॉल्स नहीं करना चाहती हूँ, मैं यहाँ न्यू मेमोरीज बनाने आई हूँ, पता चला मैं पास्ट को रिकॉल्स करूँगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सो विच इज़ हैपन इन माई लाइफ ऑलरेडी, आई डोंट वॉन्ट टू रिकॉल दैट, ऐसे बोलती है वो। और फिर वो अपने ही गुंधारे में मतलब ऐसे बात करने में लग जाती है। शनाया यहाँ पर ये चीज़ सुन लेती है कि वो इसलिए एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो रिकॉल्स। बट शनाया के दिमाग में ये आता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, उसके साथ मेमोरीज थी, बट यहाँ पर आकर तो आप न्यू मेमोरीज भी तो बना सकते हो ना। पर वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। शनाया जो होती है वो वहाँ पर चुपचाप अपने रूम पे बहुत देर तक वेट करती है अधिका मैम का, पर वो बाहर जाके जो कॉल पे लगती हैं वो टाइम लग जाता है उनको आने में, तब तब शनाया वापस सो जाती है। डिनर वगैरह इन लोगों ने पहले कर लिया रहता है। अलिका वहाँ पर फ़ोन कट करती है और आती है तो देखती है कि शनाया बिना ओढ़े हुए सो गई है। तो इतने प्यार से जाकर उसे उड़ाती है, एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम मतलब बढ़ाती है क्योंकि कूलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी रहती है, और साइड में आकर वो भी सो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो देखती हैं कि जो शनाया की बॉडी है वो शिवर कर रही है क्योंकि एसी उसे बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही रहती है। तो यहाँ पर जो अद्रिका रहती है उसे तो एसी के बिना सोने की आदत ही नहीं होती है, तो ऐसे टर्न होती है और टर्न होके एकदम से हाथ तो पकड़ती है और तो देखती है बाप रे कितनी ठंड हो गई। तभी वो अद्रिका को अपने पास खींचती है और उसे टाइटली हग करके बोलती है तो काम डाउन एसी बंद कर रही हूँ, एसी बंद कर रही हूँ। और एसी बंद करती है, और थोड़ी देर में जैसे ही एसी बंद होती है उसकी बॉडी फिर नॉर्मल होने लग जाती है, नॉर्मल होने लग जाती है, और वो ऑटोमेटिकली जो अद्रिका को एकदम टाइटली हग करती है। अद्रिका उसे थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करती है, वो नहीं चाहती थी कि शनाया उसके इतने क्लोज आए और बाद में जाके हर्ट हो, क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटेड है और वो उसके साथ नहीं करे। बोलने के लिए तो वो वैसे कमिटेड नहीं रहते हैं, सिचुएशनशिप में रहते हैं, बट एक्चुअली में उन लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है यार मैं अभी ईरा के साथ हूँ, मैं क्यों शनाया को फालतू की होप्स दूँ, इसलिए वो थोड़ा सा उसको डिस्टेंस पे रखने लगती है। लेकिन क्या करें, कमबख्त प्यार एक ऐसी चीज़ है कि जो आई जाता है, तो वो उसके करीब और आई जाती है, उसे टाइटली हग करती है और उसे हग करने ही लग जाती है। वो उसे दूर होना चाहती है बट वो दूर नहीं हो पाती है। फिर फाइनली अद्रिका भी कोशिश करना छोड़ देती है और सो जाती है। मॉर्निंग में जब ये लोग उठते हैं, ऐसी सुबह होती है इन लोगों की, और ये लोग अब कब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं जाने के लिए। तभी वहाँ के जो ड्राइवर था उसने जो जिन्होंने इनको पूरा हायर किया था कि जो उनको ड्राइविंग प्लेसेस पे अच्छी अच्छी जगह घुमा कर लेकर जाए, तो वो उन्हें बोलता है रिवर राफ्टिंग के लिए। तो अब रिवर राफ्टिंग के लिए उनको वो कपड़े वगैरह सब कैरी करने रखते हैं। तो जब सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है तो अद्रिका उठती है और जब वो वॉशरूम जाती है मतलब वो वॉशरूम से आती है, तब वो वहाँ पर देखती है कि उसके क्लॉथ्स ऑलरेडी रेडी रखे हुए हैं और वहाँ पर एक स्टिकर रखा रहता है कि मैम ये मैंने आपके क्लॉथ्स निकाल दिए, आप ये पहन लीजिए और आपकी ड्रेस भी है रख लो, और मैंने आपकी जो एक एक्स्ट्रा ड्रेस है वो भी कैरी कर ली है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
ये गेस्चर देख के उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए इतना प्यार से कर रहा है। और फिर वो जाके नहा धो के निकलती है, फिर वो नीचे जाती है तो सब लोग रेडी रहते हैं, फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और होटल में खुद का ब्रेकफास्ट तो मीन्स इंक्लूडेड ही रहता है, तो ब्रेकफास्ट वो लोग करते हैं। और फिर वहाँ से ड्राइवर उनको रिवर राफ्टिंग के लिए लेके जाता है। रिवर राफ्टिंग एक वन ऑफ द बिगेस्ट और गुड एक्टिविटीज़ रहती है। तो वहाँ पर इतनी बड़ी बोट दी जाती है और वहाँ पर सब लोग मीन्स जो पानी की लहरें होती हैं उसमें कर रहे रहते हैं। और काफ़ी मतलब जो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और गंगा का पानी का जो गंगा पानी है उस पे उसका जो फ्लो रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब वो जो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसा रहता है कि जब आप रिवर राफ्टिंग करते हो तो वो बहुत स्पीड में होता है और पानी का बहाव बहुत बहुत तेज होता है, तो उसमें आपको रिवर राफ्टिंग करना रहता है। तो यहाँ पर ऐसा रहता है कि कितने लोगों को एक साथ रिवर राफ्टिंग करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब आराम से बैठते हैं। और रिवर राफ्टिंग में अगर आपकी आपका थोड़ा सा भी ध्यान वगैरह इधर उधर भटका तो आप नदी में गिर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी वो जाते हैं। तो सबके सब एक साथ बोट पे बैठते हैं और रिवर राफ्टिंग के लिए अच्छे से निकलते हैं। और इन लोगों को खुद को चापुक वगैरह दे दिया जाता है और इन लोगों को खुद वो रिवर राफ्टिंग करनी रहती है। तो ये लोग जाते हैं थोड़ा सा रिवर की तरफ धीरे धीरे चला के, उसमें से वहाँ से वो लोग बोलते हैं कि हम में से किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है, कि हम लोगों ने कभी रिवर राफ्टिंग की भी नहीं है, और दूसरी चीज़ हम एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि तो फिर रिवर राफ्टिंग में वो लोग जब जा रहे रहते हैं तो साथ ही साथ वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी उन लोगों के साथ ट्रैवलिंग करता है। वो लोग थोड़ा जाते तो इतना प्रभाव मतलब चाकू ये सब चला रहे रहते हैं, इतना ज़्यादा हाई मतलब इतना स्पीड में रहता है, जहाँ पे शनाया तो इतना ज़्यादा डर जाती है। और जैसी डरती है वो एकदम से अधिका मैम को पकड़ती है, अधिका मैम भी उसे एक साइड से बहुत टाइटली पकड़ती हैं और उन्हें समझ में आने लगता है कि जो हमारी अधिका है वो ज़्यादा डर रही है। तो रिवर राफ्टिंग में वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है, तो उसे बोलती हैं कि यार मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, डर लग रहा है ऐसे करते हुए। तो बाकी जो फ्रेंड सर्कल्स रहता है उन लोगों को बहुत मज़ा आता रहता है कि यार रिवर राफ्टिंग इज़ अ वन ऑफ दी गुड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और वाटर एक्टिविटीज़ है। तभी वहाँ पर जो अधिका होती है वो एकदम से टाइटली मतलब शनाया को पकड़ती है और बोलती है कि पकड़ लो वरना गिर जाओगी। तो इस तरीके से वो गिरने भी नहीं देती और टाइटली उसे पकड़ती है और बहुत प्रोटेक्टिव रहती है। और ये सारी चीज़ें जो उसके जितने भी जो पूरी टीम होती है वो देख रही रहती है, मतलब जितने भी इंटर्न्स होते हैं देखते हैं। तभी उनमें से एक जो इंटर्न्स होती है वो एकदम से पूछती है, यार एक बात मुझे बता, तू तो उसकी रूममेट है तो तू मुझे ये बता कि समथिंग अद्विका मैम और जिसके बीच में कुछ चल रहा है क्या? तो तभी वो कहती है, नहीं नहीं क्यों ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि यार देखना हाउ द वे हाउ द ये जब भी हम लोगों को डर लग रहा है, मैं सच कह रही हूँ मुझे भी इतना डर लग रहा है, बट मैं तेरे पास चिपक रही हूँ, उल्टा ये मेरे साथ चिपक रही है, हम तीनों एक दूसरे से चिपक रहे हैं ताकि हम पानी में गिरे नहीं, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। बट ये हमारे पास आने के बजाय अद्विका मैम के पास ही चली जाती है हर टाइम, कुछ भी होता है इसे अद्विका मैम चाहिए रहता है, नींद नहीं आती अद्विका मैम चाहिए ये चाहिए। तो यार समथिंग इज हैपन। तभी दूसरी वाली बोलती है जो उसकी रूममेट रहती है, वो उसे बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है यार, तू बता ना तू रूममेट है। कहती है यार मुझसे क्या पूछ रहे हो, सामने के सामने ये तुम्हारे सामने तो खड़ी है, इससे पूछ लेना ना जब आएगी। तो कहती है यार वो जैसे हमें हाँ बोल देगी बताते हुए। तो कहती है तभी अद्रिका बोलती है कि गाइस बहुत टाइटली पकड़ो चीज़ें। अद्रिका शनाया को तो पकड़ी रहती है लेकिन उसका ध्यान जो रहता है बाकी इंटर्न्स के भी ऊपर रहता है, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। अद्रिका कोई बायस नहीं रहती है, वो नॉर्मल रहती है बहुत अच्छे से। और फिर वो लोग वहाँ पर फोटोज़ खींच रहे रहते हैं, वीडियोज़ बनाए रहते हैं, लेकिन जितनी भी वो वीडियोज़ और फोटोज़ बनाए रहते हैं उसमें ये देखा जाता है कि शनाया तो पूरे तरीके से लदी पड़ी हुई है। अद्रिका के मैम के फोटोज़ वगैरह क्लिक में भी ये सब वायस ही आ रहा रहता है, बहुत प्यार से, मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रहती है जिसमें ये दोनों एक की क्यूट्स मेमोरीज रहती है। और कोई भी अगर दूर से देखेगा तो ऐसा कपल ही फील करेगा।
तभी वहां पर जो साइड में से एक और बोट निकलती है तो उसे बोलती हाय। तो तभी वहां से जो पीहू और रूहू रहते हैं वो एकदम से बोलते हैं कि हाय हाय हाय। तो वो बोलती हाय, तो कहती शी इज आई थिंक शी इज योर्स कपल। तो तभी जो रूह पीहू रहती है वो रूह को बोलती है कि ये दोनों भी कपल ही है डाइट से। तो कहती नहीं, वो तो इंटर्न बोला था ना। कहती इंटर्न लुक एट डाइट कि वो तीन इंटर्न अलग है, ये अलग है, तो मीन्स लगता है ये लोग भी कपल ही है। तो ऐसे बोल रहे थे, तो अधिका उनसे बात कर रही रहती। फिर अधिका बात करते करते ऐसा नहीं होता है कि उसका ध्यान शनाया पे नहीं होता, शनाया एकदम से मिसबैलेंस होती है। तभी अधिका उसे एक हाथ से पकड़ती है और अपनी बाहों में लेते हुए बोलती है कि हाँ ठीक है, तो यू आर गाइस इंजॉइंग ये वो। और बाकी वो इंटर्न्स पर भी बहुत ध्यान दे रही रहती। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।